हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बताया था, आई थिंक आपने उसे समझ लिया होगा। तो आर्मस्ट्रांग नंबर की जो प्रोग्राम है उसके ऊपर हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि एक एग्जाम्पल है लूप का और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। तो मैंने इफेल्स में भी आपको ये प्रोग्राम बताया था, लेकिन आज हम लोग इस प्रोग्राम को लूप का यूज़ करके बताएंगे आपको। तो चलिए, थ्योरी क्लास में इसकी लॉजिक और प्रोग्राम आप समझिएगा, और प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको इसका डेमो यानी प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख लें इस वीडियो की ऑब्जेक्टिव, यानी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो आप जानेंगे आज आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम यूजिंग लूप, और इसकी लॉजिक क्यों यूज़ करना है लूप आर्मस्ट्रांग नंबर के प्रोग्राम में, कब लूप यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, लूप यूज़ करने से क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। साथ में प्रोग्राम भी हम लोग बनाएंगे, और लास्ट में इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके भी प्रैक्टिकल लाइव डेमो में बताऊँगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझिए इस प्रोग्राम की लॉजिक को। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले भी आपको अपने प्लेलिस्ट में बताया है, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने आर्मस्ट्रांग नंबर का वो वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने बताया उसमें इसके बारे में कि एक ऐसा नंबर होता है जिसके हर डिजिट का क्यूब का सम, यानी इसकी कोई एक नंबर लेना है, उसके हर डिजिट को निकालना है, उसके हर डिजिट का क्यूब निकालना है, फिर उसको जोड़ते रहना है, और सारे डिजिट के क्यूब का जब सम निकल जाए तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है सम का, उसको कंपेयर करना है ओरिजिनल नंबर से। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो वो आर्मस्ट्रांग होगा, अगर बराबर नहीं होता है तो नॉट आर्मस्ट्रांग होगा। तो पिछले वीडियो में आर्मस्ट्रांग नंबर वाली जो वीडियो मैंने बताई थी आपको, उसमें मैंने फिक्स कर दिया था 3 डिजिट नंबर का, चूँकि वहाँ पर लूप नहीं था, हम लोगों ने लूप नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग लूप पढ़ रहे हैं और इस प्रोग्राम को लूप में यूज़ करके बताएंगे। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट दिया हुआ नहीं है तो आपको पता नहीं है कि इसमें कितने डिजिट का ये नंबर है। तो अगर आपके पास डिजिट पता नहीं है तो आपको डिजिट निकालना होगा, और ऐसा कंडीशन पता करना होगा कि कब तक ये लूप चलेगा। चूँकि लूप में तो पता है हम लोगों को कि शुरू कब से करना चाहिए और कब तक चलना चाहिए, पता होना चाहिए तभी वो आप प्रोग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइंड सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट जो है इस प्रोग्राम का सबसे मेन काम है, और डिजिट निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है जो पैलिंड्रोम प्रोग्राम में भी मैंने बताया पिछले वीडियो में। और ये देखिए यहाँ पे जो ये मेन लॉजिक इसका ये है कि डी निकालने के बाद डी को 3 बार मल्टीप्लाई यानी क्यूब निकालना है और इसमें जोड़ते रहना है, और फिर जो डिजिट निकल गया उसको छोड़ के जो नंबर बच गया यानी नंबर को चेंज करने का ये फॉर्मूला है। तो एक समय आएगा चाहे वो कितना भी डिजिट का नंबर होगा उसको 0 होना होगा, है ना। जैसे अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो 3 बार ये तीनों फॉर्मूला रिपीट करके वो 0 हो जाएगा, है ना। और अगर 4 डिजिट का नंबर होगा तो 4 डिजिट निकलने के बाद ये 0 होगा। मतलब ये है कि चाहे कितना भी डिजिट का हो उसको 0 होना होगा। तो कंडीशन काउंटर आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, n ≠ 0, यानी जब तक कि n का सारा डिजिट ना निकल जाए आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। और चूंकि 1 डिजिट निकल जाएगा, 1 प्रोसेस हो गया, तो आपका वो नंबर अपडेट होना चाहिए यानी चेंज काउंटर हमेशा ये फॉर्मूला होगा n = n mod 10। तो ये है इसकी लॉजिक आर्मस्ट्रांग नंबर की। आप ये पूरा प्रोसेस जब रिपीट करेंगे n ≠ 0 तक, और लास्ट में जो s आएगा उसको कंपेयर करेंगे n को n के ओरिजिनल वैल्यू से, अगर दोनों बराबर हो गया तो आर्मस्ट्रांग, नहीं है तो नॉट आर्मस्ट्रांग। तो आई थिंक आपकी लॉजिक क्लियर हो गई होगी आर्मस्ट्रांग नंबर का कि कैसे लूप का यूज़ करें आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो है, यहाँ पे एक एन नंबर लेना है, s = 0 लिया है हम लोगों ने वो सम ऑफ डिजिट के लिए, और t टेम्पररी वेरिएबल, और d डिजिट के लिए। यहाँ पे इनपुट लेने के बाद t में n को स्टोर करना न भूले, बहुत छोटा काम है लेकिन बिना इसके आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो सकता है, ठीक है। तो n को क्यों स्टोर करते हैं t में, मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है, मैं फिर से बता देता हूं कि n को जब आप इस लूप में फॉर्मूला में डालोगे तो n जो है आपका वो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको ज़रूरत है n की कब, जब पूरा सम निकल जाएगा तो आर्मस्ट्रांग कंपेयर करने के लिए नंबर में, तो ओरिजिनल नंबर को आपको t में स्टोर करा देना है, ठीक है।
और लूप का कंडीशन क्लियर था, मैंने पिछले स्लाइड में लॉजिक में बताया आपको कि n नॉट इक्वल टू जीरो तक चलना है, d निकालना है n मॉडुलस 10 फार्मूला से, और s को जोड़ना है d के क्यूब से, यानी जो भी d आ रहा है उसका क्यूब निकाल के इसमें जोड़ते जाइए और इसमें स्टोर कराइए, और n को चेंज करना है इस फार्मूला से n मॉड 10 से, जब भी कोई डिजिट निकल जाएगा तो आपका नंबर हमेशा चेंज होता रहेगा, तो एक समय आएगा कि n इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा और ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा, और s की वैल्यू डिसाइड करेगी कि कब ये आर्म स्ट्रांग होगा। आप s को कंपेयर करोगे t से, जो कि है n का ओरिजिनल वैल्यू जो हम लोगों ने पहले ही स्टोर करा लिया था। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आर्म स्ट्रांग नंबर प्रिंट करना है, अगर नहीं ट्रू होती है तो उसमें नॉट आर्म स्ट्रांग प्रिंट कीजिए, और जो आपका आउटपुट है वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे मैंने पहले डाला है नॉट आर्म स्ट्रांग का एक एग्जाम्पल, जैसे 123, तो पहली बार d में आएगा 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 टाइम तो 27, और s हम लोगों ने शुरू में 0 लिया है तो s प्लस 27 ही हो जाएगा। फिर आप इसको ट्रेस करना कॉपी पे, मैं वर्बली बता दे रहा हूँ आपको, फिर आपका नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर बच जाएगा 12, कंडीशन ट्रू होगा, आपका n आएगा 12 से d आ जाएगा 2 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 में 8 को प्लस कर दोगे 27 से तो कितना आ जाएगा 35, फिर चेंज करोगे तो 1 बचेगा, 1 के लिए एक बार और ट्रू होगा, d हमारा जब n 1 रहेगा तो d भी 1 आएगा, d का मल्टीप्लाई करोगे यानी 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम, आपका s ऑलरेडी 35 है तो 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36, और n मॉड 10 करो बच जाएगा 0, जब 1 है आपके n में आप n मॉड 10 करो, आप देखो कॉपी पे करके, फ्रैक्शनल डिवीजन नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मॉडुलस और मॉड जो है आपका वो इंटीग्रल डिवीजन है, यानी आपका जो इंटीजर नंबर होता है 0, 1, 2, 3 उसी से डिवाइड होगा। अगर मान लो n में नहीं डिवाइड हो रहा है, सपोज यहाँ 1 है और 10 से आप डिवाइड कर रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप 0 से डिवाइड करो, 1-0 रिमाइंडर जो भी हो डिवाइड तो 0 से लग जाएगा, तो n जो है आपका वो 0 हो जाता है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन से बाहर आए, t से कंपेयर किए, t हमारा 123 है, s आया है 36, जो कि कंडीशन फॉल्स का सिचुएशन है, तो नॉट आर्मस्ट्रांग यहाँ प्रिंट होगा। यही चीज़ आप 153 में करके देखोगे तो आपका जो s आएगा वो 153 ही आता है, आप कंपेयर करके देखना, आपका आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट होगा। तो ये है प्रोग्राम, तो मैंने आपको थ्योरेटिकली लॉजिक और प्रोग्राम दोनों समझा दिया है, तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम रन करके भी दिखा देता हूँ, और इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम रन कराएं प्रैक्टिकल क्लास में, अगर आप हमारे नए यूजर और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं इस तरह की वीडियो C++ और जावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो, तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाए और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको नई नई वीडियो अपने आप मिलती रहे। जो भी स्टूडेंट यूजर और व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो आप लाइक और शेयर करना न भूले। चलिए प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं सी लैंग्वेज। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम, उसकी लॉजिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई थिंक आपने वो लॉजिक और वो प्रोग्राम समझ लिया होगा, तो चलिए हम लोग उस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। और अभी जो हमारे सामने प्रोग्राम खुला हुआ है ये है पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो चलिए इस प्रोग्राम को ही सेवेज करके और इसमें चेंज करके हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो चलिए इसको सेवेज करते हैं और नाम देते हैं आर्मस्ट्रांग यूजिंग लूप, तो loop.c हम लोग यहाँ पर सेव कर दें इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल में चेंजेस हैं, यहाँ पर आपको लेना है आर्यन की जगह पे एस, बाकी सब वही रहेगा, टीकोस टू 1, यहाँ पे सारी लॉजिक वही है, यहाँ पे केवल आरएन के जगह पे आपको एस करना है। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो आप, केवल फॉर्मूला आपका यहाँ पे चेंज होगा। ये देखिए यहाँ पे हटा देते हैं और ब्रैकेट में डी का 3 बार यानी डी का क्यूब निकालना है, ठीक है, और उसको इसमें जोड़ते जाना है, और यहाँ पे टी के जगह पे आरएन के जगह पे एस से कंपेयर करना है, और मैसेज केवल पैलिंड्रोम की जगह पे आर्मस्ट्रांग, बस इतना सा चेंज करना है। आप समझ सकते हो कि अगर आपने पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम अगर आपने रन कर लिया होगा तो आसानी से आप आर्मस्ट्रांग नंबर का भी प्रोग्राम रन करा सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा केवल एक लाइन का अंतर है। आप देख सकते हो मैंने उसी प्रोग्राम को इसीलिए जानबूझ के सेवेज किया है कि आप समझ सको कि अगर आपका पैलिंड्रोम क्लियर है तो आर्मस्ट्रांग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लगभग सारे प्रोसेस सेम है।
चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, बस इतना सा ही चेंज करना था। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लीजिए, इसको कंपाइल कीजिए। सबसे पहले हम लोग रन करा के देते हैं एक वैल्यू जो कि है नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, तो प्रिंट कर रहा है, और एक वैल्यू हम लोग देते हैं जो है आर्मस्ट्रॉन्ग 150। आ रहा है रिजल्ट यूजिंग लूप, हम लोगों ने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम भी रन करा लिया। तो चलिए इस प्रोग्राम को खुद से भी रन करके देखिए। अगर आपने पैलिंड्रोम का प्रोग्राम नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पैलिंड्रोम का प्रोग्राम पहले देख लीजिए, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग का भी प्रोग्राम रन कराइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रामिंग, और लाइक और शेयर करना मत भूलें हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।